रिंगस किसी के पड़े हैं यहाँ। ओ भाई सच में पड़े हैं वो, सच में पड़े हैं। संतोष खाएगा। सो गाइस संतोष कह रहा था ऑन कैमरा पर पूछ पर देखो ऑन कैमरा रिंगस उठा के ले आया। Hey, what is up, homies? It's your boy Hardik, and you're watching Logical Bakwas. तो भाई आज की वीडियो का सीन ये है कि आज मैं तुम्हें सेंटेनियल कॉलेज रेजिडेंस का दिखाऊंगा, बिकॉज अगर तुम यूट्यूब पर सर्च करोगे तुम्हें यहाँ पे इसकी कोई वीडियो सही से अच्छे से मिलेगी नहीं। एक वीडियो वो भी बहुत पुरानी है, और इसलिए क्योंकि कॉलेज का टूर तो बहुत लोगों ने दे दिया है, बहुत मैंने भी दिया था, मैंने मॉर्निंग साइड का दिया था, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने दे रखा है, बट सेंटेनियल कॉलेज रेजिडेंस का किसी ने दिया है। सो लेट्स गो गाइस। एंड हाँ, थोड़ी सी विंड आ रही है बिकॉज कनाडा ऐसी कंट्री यहाँ पे विंड चलती रहती है, तो वहाँ पे माइक का इशू आएगा, चाहे मेरे पे बढ़िया माइक हो 1,000 का 2,000 का 3,000 डॉलर का, पर अब तब भी कोई विंड नहीं काट सकती क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही विंडी है। तो अभी कार पार्किंग लगा दी है, लेट्स गो। और हरियाली यहाँ पे बहुत है, अगर इफ़ यू जस्ट वांट टू हैव फन और तुम्हें थोड़ा बढ़िया सा मतलब चिल करना है ना, तो बढ़िया है। ओह सो गाइस दिस इज डी मार्केट। ये यहाँ पे कुछ खाने पीने का आइटम लेना हो किसी को तो ले सकते हैं। ये सेंटिनियल का, ये क्या है, दिस इज ये बैठने का फुल सीट का, दिस इज नाइस। सो गाइस दिस इज दी मेन थिंग। ये खुद मैं अपने कैंपस की पहली बार देख रहा हूँ, ये प्रोग्रेस कैंपस का कॉलेज रेजिडेंस है, और हमारे साथ सोहम जो अभी ग्रेजुएट हो चुके हैं। और भाई ये है यहाँ पे बारबेक्यू का सीन, फुल बारबेक्यू इस तरफ बना रखे हैं यहाँ पे। किसी कोई लड़के को अपनी डेट पे आना है तो वो यहाँ पे आराम से कर सकता है, चिल भी कर सकता है, पी भी सकता है। वाह बहुत अच्छा, खाना भी पी सकता है। बट हाँ भाई सही है वैसे, मतलब अगर किसी भी इंडियन बच्चे को इंटरेक्ट करना है ना यहाँ पे अच्छे लोगों से, और काफी काफी पाकिस्तानी भी जो अमीर होते हैं वो यहाँ रहते हैं। टेबल टेनिस खेलना है आज ब्रो। अभी हम आपको एक्सक्लूसिव कॉलेज का टूर कराएंगे रेजिडेंस का। किचन अगर हमारे कैमरामैन ज़ूम करेंगे, किचन हमारी खुल गया हमारा पूरा। यहाँ से तुम्हें स्कारबो टाउन सेंटर दिख जाएगा, यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा, यहाँ पे कार जाती हुई, ये पार्किंग है, यहाँ हमारी कार खड़ी है, नीचे बंदे मूव कर रहे हैं वो पीछे, क्योंकि सितंबर जो फॉल इनटेक है। अब बेसिकली मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो भी फॉल इनटेक है ना, फॉल इनटेक में आई गेस थोड़े से प्राइसेस बढ़ते हैं। अभी इतना इसका 1100 ही रहेगा, इट्स गोइंग टू स्टे द सेम। ओ इसका 1100 ही रहेगा, बट इट्स ऑलरेडी फुल। तो कोविड के टाइम पे थोड़े कम प्राइसेस हुए थे ना हमारे, थोड़ा सा कम हुआ था, इट वाज लाइक 100 बक्स लेस, बट देन पैसा कहां। देखो अब ये देख लो 1100 में तुम्हें ये मिलेगा। प्लस भाई के साथ कौन-कौन सी नेशनलिटी के लोग रहते हैं? टर्किश है, कैनेडियन है, और एक केनिया का। एक टर्किश है, एक कैनेडियन है, एक केनिया का, और हमारे पास कैमरामैन भी कैनेडियन है। तो देख लो भाई यहाँ पे तुम्हें डाइवर्सिटी मिल जाएगी किसी को एक्सप्लोर करना। $1100 इज नॉट बैड। अभी आजकल वैसे भी रेंट, अगर तुम प्राइवेट रहना चाहते हो, 650-700 का मिलेगा इसका ब्रो टोरंटो में। सो गाइज दिस इज रिफ्लेक्शन। ये 7th फ्लोर की अलग थीम है, तो यहाँ पे एक सबसे बढ़िया बात ये है कि यहाँ पे ना हर फ्लोर की अलग अलग थीम है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, मतलब यहाँ बैठ के तुम अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सकते हो लाइफ, और
कि क्या है, तुम पढ़ाई में अच्छा कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये देखो यहाँ से पूरा का पूरा तुम्हें सेंटिनियल कॉलेज दिखेगा यहाँ से। एक चीज़ है कि तुम सुबह उठ के सीधे यहाँ पे जा सकते हो क्लासेस लेने, या प्रोग्रेस कैंपस है पूरी यहाँ पे, मैंने तुम्हारे भाई ने यही क्लासेस ली है पूरी यहाँ पे, अलग अलग ब्लॉक्स होते थे, दिस इज़ वेरी नाइस। और ये रिफ्लेक्शन रूम है, हर सेवन मतलब सात फ्लोर है यहाँ पे, हर एक फ्लोर की अलग थीम है। और जैसे फिफ्थ फ्लोर में टेनिस टेबल टेनिस का कोर्ट है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन रूम है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि हर फ्लोर में तुम्हें स्टडी रूम ज़रूर मिलेगा। तो देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, सूट्स किचन स्काई लॉन्च। तो गाइस मेरे को भी एक बात और पता चली है कि जो आठवां फ्लोर है, आठवें फ्लोर में ना आधा होटल टाइप का है, और उसमें मतलब तुम्हारे पेरेंट्स या कोई भी रहने के लिए आ सकता है तो वहाँ पे भी रह सकता है। सो आठवें फ्लोर पे रहता था पहले। ये क्या है, स्टडी रूम है? ये किचन है, हर फ्लोर पे कॉमन किचन है। सो दिस इज द किचन गाइस, कॉमन किचन है। लोग वैसे अपने रूम में मतलब मैं देखा कोनेस्टोगा और मैं सेंटिनल को अगर अभी कंपेयर करूँ ना, तो मैंने कोनेस्टोगा का जो देखा था उसमें क्या था कि कोनेस्टोगा का जो किचन था अंदर ना वहाँ पे कॉलेज के अंदर अच्छा किचन नहीं दे रखा, बट सेंटिनल में ऐसा बोला जाए तो सेंटिनल में अच्छा किचन है अंदर भी। और एक कॉमन किचन जो है काफ़ी नीटिंग की बड़ी चेक करवाए। तो गाइस दिस इज द स्टडी रूम, ये जो हर फ्लोर पे होता है, दिस इज द स्टडी रूम। यहाँ पे भाई बंदे आके पढ़ सकते हैं, काफ़ी सही है। और सातवें फ्लोर पे तुम पढ़ाई करो इस व्यू के साथ। किसी भाई का कैलकुलेटर छूट गया है यहाँ पे, किसी का कोई बेचारा होगा हमारे जैसा भाई। और ये देखो, लुक एट द व्यू मैन, दिस इज अमेजिंग। और तुम $1100, और मेरे को अभी भी अभी बात पता चली कि यहाँ पे थ्री टाइप के वो हैं, 1000, 1100 and 1200। जो जो फिर एक कौन सा $1000 वाले में क्या है, $1000 2 bedroom है but 2 shared 2 bedroom है। तो भाई सोहम जो है हमारे ब्लॉग में आना नहीं चाहते, इसलिए हम सोहम से पीछे जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि सोहम भाई थोड़े कैमरा शाय हैं। तो चलो कोई नहीं, बाकी लेट्स गो। और ये बहुत सही है लगा भाई मेरे को। तो गाइस दिस इज द स्काई लाउंज, और ये देखो भाई, लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस भाई, कितना महंगा है। मतलब इस सिस्टम देख रहे हो, चेक कर रहे हो सिस्टम, कितना महंगा है ये सिस्टम। दिस इज ऑफ आई गेस, मेरे को लगता है ये $2000-3000 के तो होंगे ये स्काई लाउंज। ये 2000-3000 के तो एक चेयर ही होंगी, पर मतलब यहाँ पे तुम इंजॉय कर सकते हो, कुछ भी चिल कर सकते हो, यहाँ पे मूवी देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, यू नो दिस इज वेरी नाइस। सो गाइस ये है आर्केड, जैसे अपना सेंट को मेरा एमटी में आर्केडिया था, वैसे यहाँ पे आर्केड फुल। ये देखो चिल स्पॉट है भाई, दिस इज समथिंग वेरी अमेजिंग। मेरे को तो अच्छा लग रहा है भाई देख के, गोल फुल भी खेल सकते हो क्या ही, $1 per 3 hours, ओ नाइस। सो गाइज ये है स्टडी रूम अलग फ्लोर का, और मतलब बिल्कुल क्लासरूम जैसा लग रहा है। देखो इसके अंदर नहीं जा रहा क्योंकि ये खुल नहीं रहा है, दिस इज ऑल्सो नाइस, मज़ा आ रहा है देख के, बढ़िया है। सो मैंने जैसे बोला था कि हर फ्लोर की थीम अलग है, तो इस फ्लोर की थीम है शार्क्स, शार्क टैंक ग्रो शार्क्स। भाई बालक कहीं भी चले जाएँ, रहते तो मतलब बालक ही हैं, अपने स्टूडेंट ही हैं, जीरो कट्टो खेलेंगे टिक टैक टो। सो गाइज ये है हमारा फिटनेस सेंटर है, ये इसमें ये देखो बस ये अलग है, और जिम वाला भी अलग है, तो मतलब दो टाइप के हैं अलग अलग यहाँ पे, ये चल रहा है फुल। सो गाइस एक चीज़ पता चली, यहाँ पे ये फिटनेस का अलग सेंटर है, जिम का अलग है। तो बेसिकली फिटनेस में क्या है, तुम्हें ये ऐप डाउनलोड करनी है, और तुम्हें टीवी पे दिखेगा कि क्या करना है, तुम्हें कार्डियो वैसा ही करोगे तुम यहाँ बैठ के, फुल चिल सीन है, व्यू के साथ बंदे लेके आओ अपनी करो इंजॉय। सो गाइस ये है हमारा थिएटर भाई, दिस इज द थिएटर, कौन से फ्लोर पे, दिस इज इन थर्ड फ्लोर। तो भाई बहुत बढ़िया है, मतलब यहाँ पे चिल कर सकते हो बैठ के यहाँ पे,
अपनी कोई सी मूवी देख लो। हैंग ऑन टू योर हैट्स काउबॉयज। तो भाई इस फ्लोर की थीम है काउबॉयज वाली फ्लोर। अनवाइंड। बुक्स पढ़ी हैं यहाँ पे। ओ वाओ ब्रो ये क्या है? दिस इज समथिंग यूनिक। वाओ दिस इज नाइस। बातचीत है ब्रो। कुछ भी बनाओ, बना रखे हैं बंदों ने अलग अलग स्ट्रक्चर्स। बढ़िया। तो पता है क्या करते हैं लोग यहाँ पे ना, बुक्स छोड़ के जाते हैं जिसको जो करनी है। तो ये सबसे बढ़िया बुक ये लगी मेरे को, $5 अ मील। इसको तुम पढ़ के रेसिपी बना सकते हो, चिल कर सकते हो। और यहाँ पे बंदे ये सब क्या है, लेगो? हाँ लेगो ये करते हैं। चिल आगे जाते हैं। और यहाँ पे पूल टेबल भी है, तो अभी हम वो भी देखेंगे। तो हर फ्लोर का ना एक चीज़ है यहाँ पे, हर फ्लोर अलग अलग है। मतलब हर फ्लोर की अलग थीम है, अलग चीज़ें हैं हर फ्लोर में, कलर्स अलग हैं। इसका नाम नहीं लिखा हुआ। और यहाँ गांजे की स्मेल भी आ रही है, पता नहीं। सो ये है बिलीवर्स वाला रूम। दिस इज डिफरेंट रूम। प्रिंगल्स ब्रो, प्रिंगल्स किसी के पड़े हैं यहाँ? ओ भाई सच में पड़े हैं वो? सच में पड़े हैं? संतोष खाएगा? संतोष खाएगा? सच में पड़े हैं? ऑफ कैमरा मतलब संतोष खाने वाला है। तो ये चल रहा है। वो पोकर टेबल है भाई, मैंने कभी खेला नहीं यार। वो ये कैसे खेलते हैं ये सब? बस ये अपना चिप्स रखने का, ये अपना एस्ट्रे। और ये चेस। तो सही है ब्रो। सो गाइस संतोष कह रहा था ऑन कैमरा मत पूछ, पर देखो ऑन कैमरा प्रिंगल से उठा के ले आया। सो भाई मैं बोला था कि इसका नाम नहीं है, बट हाँ वेलकम नाइट्स। तो इस फ्लोर की थीम है कलर डिफरेंट नाइट्स। ऐसे इन्होंने अपने बना भी रखे हैं, कूड़े बना के लगा रखा है। तो सही है। यहाँ पे बिजनेस सेंटर भी है एक, जो बिजनेस सेंटर में तुम मतलब प्रिंट आउट उंट निकाल सकते हो। इस फ्लोर में वो है अलग। और बाकी दिस इज कुक कॉमन किचन है, जो तुमने मेरे ब्लॉग में पहले देखी है। नाइस। कॉमन किचन में तुम जो ज़्यादा स्मेल वाली चीज़ें होती हैं, जो ज़्यादा इंडियंस बनाते हैं, तो उनको यहाँ पे आके कुक कर सकते हो, विच इज़ वेरी नाइस। एंड भाई इस रेजिडेंस में आके ना, एक चीज़ बोल रहा हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है कोर्ट्स कॉर्नर सेंट्रल कोर्ट्स की अपनी टीम है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे को वापस कॉलेज आना है और कॉलेज रेजिडेंस में रहना है इस बार, क्योंकि ये चीज़ मिसिंग है। होपफुली एक दो साल में हमारा भाई पी आर होने के बाद, क्या पता कोई कोर्स कर रहा हो, यू नेवर नो। संतोष के साथ प्रिंगल्स खाते हुए, ये रहा द नाइट। ये नीचे निकल रहा था। हियर ही वेलकमिंग द नाइट्स। सो गाइस ये 6th फ्लोर का थिएटर है। अरे हम 6th फ्लोर में आए हैं, पर यहाँ का थिएटर थोड़ा अलग है। किसी बंदे का चार्जर छूट गया यहाँ पे। वो प्ले स्टेशन भी है भाई, किसी ने प्ले स्टेशन लगा रखा है। कंट्रोल रोड आ गया क्या, बता। चलो भाई अच्छा है ब्रो, ये भी बढ़िया लग रहा है। सो गाइस दिस इज द गेमिंग एरिया। मतलब ये गेमिंग एरिया भी है, बट यहाँ पे अगर तुम्हें मतलब अपनी शांति में आशिकी से बात करनी हो तो आराम से कर सकते हो। मतलब जैसे वो बाई कर रहा था पीछे, तो ये भी चिल है, कुछ शोर शराबा नहीं है। 6th फ्लोर है ये। नाइस। इसकी भी थीम अलग है, हर फ्लोर की थीम अलग है। इसकी तो अभी खाली है, आगे पता चलेगा कौन सी थीम थी। कुछ थी ना इसकी, भूल गया। इसमें पर इन्होंने ये फैंसी नहीं कर रखा। बुक बोर्ड थीम ये रही है ना, ब्लैक ऑथर्स। तो गाइस ये जो है ये अपना हमारा ये पर्सनल वॉशरूम है एक, और दूसरा एक और वॉशरूम है। तो ये बेसिकली ये तो थोड़ा सा गंदा हो रहा है, क्योंकि लॉन्डो का रूम है, तुम समझ सकते हो। यहाँ पे जिम के भी सामान पड़े हुए हैं। और ये है इनका, ये 3 बंदे यूज करते हैं। और ये वाला है, लाइट नहीं जल रही इसकी तो, बट समझ जाओ भाई तुम तो। सही है ब्रो। और ये जो प्रिंगल्स लाए थे हम टपा के, वो अभी पड़े हुए हैं यहाँ पे। सो गाइस ये जो है ये मतलब वेजिटेबल गार्डन है, हॉस्पिटैलिटी वाले लगाते हैं। पीछे हॉस्पिटैलिटी का कैंपस भी, तो मैं थोड़ा सा बाहर से भी दिखा देता हूँ। पीछे थोड़ा हॉस्पिटैलिटी का कैंपस है, ये इनके वेजिटेबल गार्डन है। ये नया इनका हमारा कैंपस बन रहा है, एलिस डॉन बना रहा है। एलिस डॉन जहाँ पे मैं यहाँ पे इसकी साइटों पे मैं सिक्योरिटी भी करता था। तो ये बहुत सही है, कंस्ट्रक्शन वाले देख रहे हैं, तो तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और ये है बढ़िया। एंड संडे बंद रहता है कैंपस। और उसके पीछे मैं जब 161 171 250 जो मेरी इंग्लिश की क्लासेस थी वो वहाँ पर हुई थी, उस साइड अंदर जाके
तो इंग्लिश प्रोग्रेस कैंपस है, मैं मॉर्निंग साइड में पढ़ता था, प्रोग्रेस में भी पढ़ता था, तो मैंने दोनों जगह पढ़ा है। बट हाँ, मेरी कॉन्वोकेशन इन क्लास नहीं हुई, तो इसकी बहुत वो है। एंड लुक एट दिस, ये काफ़ी मस्त है। तो ब्रो ये यहीं से हार्वेस्ट करके यहीं पे बनाते हैं, देखो देखो बैंगर। So yeah guys, that's pretty much it. I hope you guys liked it. If you didn't, make sure to give this video a big thumbs up. Drop a comment in the comment section what you want to see next. Stay awesome, keep smiling and subscribe Logical Bakwas. And guys, wind bahut chal rahi hai abhi. Look at this, ye sathe ke flag hai. And yahan pe maine English padha hai. So yeah, yahi tha bhai mera college residence ka tour, aur piche hamara ye college ka campus hai. Agar tum yahan reh rahe ho to tum 5 minute mein tum college pahunch sakte ho. So yeah, that's pretty much it. I hope you guys liked it. If you did, make sure to give this video a big thumbs up. Drop a comment in the comment section what you want to see next. Stay awesome. Keep smiling and subscribe Logical Bakwas. And I'll see you guys in the next one. Aur bhai sapne dekho, sapne zarur poore hote hain. Bye bye, peace out.